दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाला। जिस तरह से आप सबको पता कि दोस्तों 6 जून से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आए हैं, तब से ही अफवाहों का दौर जारी है। कभी मेनस्ट्रीम मीडिया पर अफवाहें आती है तो कभी सोशल मीडिया पर। उसी को देखते हुए अब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से अपील की गई है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और स्पेशल प्रेस नोट जारी किया गया है डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति द्वारा। प्रेस नोट जारी करते हुए लिखा गया है, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सेहत संबंधी कुछ लोग अधूरी व गलत जानकारी सोशल मीडिया व मेनस्ट्रीम मीडिया पर देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो सही नहीं है। पूज्य गुरु जी को जेल में बार बार पेट दर्द व ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की शिकायत हुई, जिसके कारण पूज्य गुरु जी की PGI रोहतक में CT स्कैन व अन्य जाँच करवाई गई। डॉक्टरों की सलाह पर PET स्कैन व बाकी जरूरी टेस्ट करवाने के लिए पूज्य गुरुजी को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 6 जून को लाया गया था। पूज्य गुरुजी के PGI में हुए CT स्कैन में पैनक्रियाज में सोजिश नजर आई थी, जिसके चलते मेदांता में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आगे की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल के नियमानुसार गुरुजी का कोविड रैपिड PCR टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुजी को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 7 जून को RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पूज्य गुरुजी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पूज्य गुरुजी की देखरेख हॉस्पिटल के नियमानुसार परिवार में उनके बेटे जो कि शाही परिवार से है भाई जसमीत जी इंसा व बेटियाँ चरणप्रीत जी इंसा, हनीप्रीत जी इंसा व अमरप्रीत जी इंसा कर रहे हैं। साध संगत से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आना है और सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है और अरदास करनी है कि पूज्य गुरुजी सदा स्वस्थ रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रेस नोट जारी किया गया है, यह जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अखबार आता है दैनिक सच कहूँ, उस पर भी डाला गया है, जो वेबसाइट है ऑफिशियल और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पर भी शेयर किया गया है। वहीं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के बीच यह प्रेस नोट काफ़ी वायरल है। वहीं आपको बता दें कि लगातार सी जो भी मेन मीडिया है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इस संबंधी पुख्ता जानकारी न होने के कारण अपनी वेबसाइटों पर भी अनाब शनाब लिखते जा रहे हैं और लाइव में चलता जो उसमें भी पता नहीं क्या क्या दिखाते जा रहे हैं, जिस कारण अफवाहों का दौर काफ़ी बढ़ गया था और अब डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए प्रेस नोट जारी कर डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को सचेत किया है और जो पूर्ण जानकारी है वो दी है। आपसे भी निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।